मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जोड़ के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष, जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं ज्यादा, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी, अपने खून पसीने की कमाई से अपना आसियाना बना लिया, उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं, और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। अब नियमित कॉलोनियों की तरफ, इन कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। रेगुलर कॉलोनियों की तरफ वह राशि उपलब्ध होगी और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा विकास के काम वह होते जाएंगे। जितनी जरूरी अधोसंरचनाएं हैं, बिजली है, पानी है, धीरे धीरे, देखो रहती तो जनता ही है यार, कौन रहता है, जनता ही तो रहती है। कि जनता है तो बिजली नहीं दोगे, कि जनता है तो पानी नहीं दोगे, कि जनता है तो नाली नहीं बनाओगे, जनता है तो सड़कें नहीं बनाओगे। अरे जनता है तो बिजली भी देना है, सड़कें भी बनाना है, नाली भी देना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।